नमस्ते दोस्तों, आदाबर जय सचिका। वेलकम टू MRP, माय राइडिंग पैशन। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मेरा कहानी सुनिए। ये देख सकते हो कि वीडियो में ये जो मेरा यमा क्रक्स था, बहुत सालों से रिपेयर में लगा था। इस गाड़ी को मैंने 2006 में परचेज किया था ओनली फॉर 37,000 ऑन रोड प्राइस इन कर्नाटका। वो टाइम पे ये मेरा यमा क्रक्स ब्रांड न्यू व्हीकल था। अभी जो दिख रहा है वो तो नहीं है, ये रिपेयर में पड़ा हुआ है आफ्टर 10-12 ईयर्स के बाद। ये तो एकदम शानदार गाड़ी थी, यमा क्रक्स, यानी कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर्स भागती थी यार। ये गाड़ी के ऊपर मेरा परिवार को बहुत सारे यादें हैं। ये गाड़ी के बाद मैंने पल्सर लिया। एक्चुअली उससे पहले बुलेट को मैं लेना चाहता था, और डाउन पेमेंट की वजह से पल्सर को लेना पड़ा। और जब से मैं 2015 से अभी तक बुलेट लेने के लिए चाहत में अभी हूँ, और मेरा हौसले और इरादे पक्के हैं, बुलंद है, पक्का मैं बुलेट क्लासिक यही साल में लूँगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं बुलेट क्लासिक 350 मार्श ग्रे और सिग्नल एडिशन लेना चाह रहा हूँ। देखेंगे हमारा कोशिश कितने कामयाब रहेंगे। अभी तो फिलहाल में मैं यही गाड़ी से मोटर व्लॉगिंग करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉगिंग में मैं बताता हूँ कि मेरा पल्सर का जो वेगा ऑफ रोडिंग का हेलमेट था, उसको कैसे उसके चिन माउंट पे मोबाइल होल्डर कैसे लगा दिया जाए, वो भी बिना जुगाड़ के और किसी एम सील और नट बोल्ट के। वक्त आ गया कि मेरे बसंती दिख जाए। देखिए आफ्टर रिपेयर ऐसा हो गई, मेरा बसंती रेडी है जाने के लिए, तैयार में। और ज़रूर आप प्लीज़ सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए। चल बसंती चल, दिल की दुनिया की सैर करेंगे चल। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दुनिया को पहुंचने के लिए हिंदी कोशिश करना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर जय।